वीर पोल जैसे नहीं आप यार इधर प्रेगनेंसी क्या भाई यूनिकॉर्न्स गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज हम जा रहे हैं जम्मू। मेरे साथ में है छोटे ताऊ जी, कल ही आ गए थे लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की। और मम्मी और पापा हैं आगे बैठे हुए और मैं हूँ। हम 4 लोग जा रहे हैं और उधमपुर से मिलेंगे हमें हमारे भैया। सो अब हम निकल रहे हैं। आज भी इतनी अफरा तफरी मचा दी मम्मी ने, बोला जल्दी करो जल्दी करो, जबकि हमारे पास काफ़ी टाइम था, लेकिन एज यूजल कुछ नहीं कर सकते तो अब हम निकल रहे हैं। Stay tuned. Guys, बाहर तो बारिश शुरू हो गई, अभी कितना अंधेरा हो रखा है। Guys, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम लोग देहरादून के आउटस्कर्ट में हैं। अभी सबसे पहले हमें जाना है यहाँ से चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहाँ से है 232 किलोमीटर। तो देखते हैं उधमपुर जाते वक्त कौन कौन सी जगह आती है बीच में, तो पहली बार जा रही हूँ से। और बाहर उजाला भी हो गया देखो। अभी हम पहुंच गए हैं पोंटा साहिब और यहाँ से क्या बोलते हैं कि गुरुद्वारा, हाँ पोंटा साहिब का गुरुद्वारा नीचे करना था उसको। अभी हम लोग हैं अम्बाला देहरादून हरिद्वार। यहाँ सारे पेड़ देखो कितने ज्यादा ग्रीन है, हर जगह हरियाली हरियाली है। ये देखो मम्मी को इतनी जल्दी भूख भी लग गई, पर्सनल है कुरकुरे खा रहे हैं। मम्मी ब्रेकफास्ट का तो वेट कर लेते हैं, ये पापा को भी खिला रहे हैं और ताऊ भी खा ही रहे हैं, बस मैं ही नहीं खा सकती। आपको पिक्चर हॉल में मोमो कौन देगा? अभी मंचूरियन मोमो हम तो पिक्चर हॉल में खाते हैं। बेंगलोर में यहाँ नहीं मिलता ना, मैं अंदर पिक्चर हॉल में बाहर का खाना आप ले जा ही नहीं सकते। आपका मुंह तो कभी खाली रहता ही नहीं है। पापा को भी खिला दो, खिला ही रहे खाने के लिए। हाँ ओ मम्मी अब दोबारा क्या खाना था, चाट भी गया पहले खाना तो चाहे फिर लगोना तो चाहे दिखाओ, नहीं तो आप ही को लग रहा है। सही है ऑल सेट खाने के लिए भी पोटली खोल खोल के तैयार हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ रखा होगा तब तो मिलेगा, बिना रखे कहाँ मिलेगा। अब बस थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे फिर खाएंगे वही। थोड़ी देर में तो खैर क्या, एक घंटा तो पूरा लगेगा अभी। बाप रे कितना सारा लैंडस्लाइड होता है, पर फिर भी बाबा कितना ज्यादा होता है देखो, पूरा ऊपर तक होटल होटल बैग ही होते हैं। अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि सामने पेड़ कट रहा है, यहाँ से दिखाते रुको। इनमें से देखो किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना, एक अंकल ने पहने, ये तो ट्रिपिंग कर रहे हैं, इनसे चाहिए ना। हाँ डिवाइड करते ना, आधा इधर फेंक दिया था उधर। ये देखो इतना बड़ा पेड़ था, गाइस यहाँ तो बहुत खतरनाक बारिश हो गई आज। बाप रे ऊपर से हम लोग चंडीगढ़ नहीं जा रहे, चंडीगढ़ से सीधा बाईपास कट करेंगे उधमपुर के लिए, और वहाँ का भी रूट क्लोजर दिखा रहे हैं, वो तो पता चलेगा आगे जाके। मैप के अकॉर्डिंग तो बंद दिखा रहा है, अब देखते हैं जो भी होता है। फिलहाल तो हम बारिश फेस कर रहे हैं। हम पहुंच गए आज की पहले टोल प्लाजा में, और यहाँ पे भी पापा वही करेंगे जो हर जगह करते हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, दिखा दे कार्ड। नहीं तो ये आदत है टोल में, सूझेगी जरा पो
टोल ना मम्मी टोल यार टोल बस टोल का मीर पोल जैसे ताऊ को भी मम्मी पता आप ही आप ही की बातों में हंसी आ रही है ताऊ को भी। गाइज अभी हमने पंजाब में रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया ब्रेड पकौड़े और चाय। अब हम जा रहे हैं आगे बहुत महंगा था झूठ बोल रहे हैं यार यहाँ पे ना एक पर्स था तो वो लोग दे रहे थे तो हम लोगों ने वही खा लिया था। मैं बाहर कुछ खा नहीं सकती तो वो मंदिर का था तो मैंने वही खा लिया और अब हम जा रहे हैं आगे। मम्मी बैठ गई हैं पीछे मैं आ गई फ्रेंड्स। ये देखो अब पापा ने पहन लिया चश्मा अब लगा देते गाना Keep right to continue on National Highway 44. Okay, समझ गए सी। नीचे। अभी हम रुक गए हैं जूस कॉर्नर पे। पापा बोल रहे थे यहाँ से मौसमी का जूस पियेंगे। सो अभी पापा गए हैं बाहर जूस लेने। बताओ भी चले गए हाँ बंद कर देती है ना ना बंद हुआ बंद हो जाती है। ये लो मामा आ गया आपको ले आए पापा जूस। पापा यहाँ से दो मुझे यहाँ से दो थैंक यू। ये आ गया मेरा जूस। वैसे मैं मौसमी का जूस नहीं पीती हूँ लेकिन अभी मन कर रहा है क्योंकि प्यास लग रही है। मम्मी चीयर्स को करल हाँ तू पी बे चीयर्स मूव शॉप है। मम्मी का पूरा होंठ के नीचे स्किन निकल रही थी मम्मी ने वहाँ बॉडी लोशन लगाया देखो कार्टून है यार मेरी मम्मी भी। चाहे जो कहो पंजाब का जूस बहुत अच्छा है फ्रेश भी है और सस्ता भी है मतलब 40 रुपए ग्लास है नहीं तो देहरादून में यही ग्लास ना मिनिमम 60-70 वो ये भी जबकि ग्लास बड़ा है ये वहाँ तो ग्लास भी छोटे होते हैं। इन्होंने ग्लास भी ग्लास जो बोले उन्होंने कप जो दिया देहरादून में तो सीधा वो प्लास्टिक ग्लास देते हैं वो भी छोटे छोटे। आराम से पिए अरे जल्दी क्या है आप इन तो बड़ा ला इसमें वो क्या बोलते हैं लहसुन का नमक है नहीं ब्लैक नमक है बहुत टेस्टी हो रहा है ना लहसुन डाल के नमक अभी है ना ना बहुत टेस्टी है मतलब ना अच्छा हो रहा है ना आगे पी लेंगे फिर सही नहीं अभी तो पेट भर गया था हो गया बस ये तो उल्टी आ जाएगी अब हाँ अच्छा था ना मुझे भी बहुत मस्त लगा। मम्मी और पीते फिर अच्छा लगा। मम्मी तो बस हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं अब इसी चीज़ तो खत्म हो नहीं सकता। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं आगे बहुत लंबा सफर तय करना आज अपने 140 किलोमीटर यहाँ हर जगह जगह में मौसमी की जूस देखो बापरे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं कितना पूरे पंजाब में मौसमी बेच रहे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और अभी हम लोग मिडवे में हैं। एक घंटे में जलंधर पहुंच जाएंगे उसके बाद ही लंच के लिए रुकेंगे। मम्मी तो पीछे खराटे मार के सो रहे हैं और मेरे फोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है जस्ट 15% है। ऊपर से मैं कार में कनेक्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि आईफोन का USB केबल नहीं लगता है। सो अनफॉर्चुनेटली जितना हो पाएगा उतना रिकॉर्ड करूंगी नहीं तो फोन ऑफ हो जाएगा। मेरे फोन में एक तो मैप चला है ना सो इस वजह से ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो सीधा उधमपुर मिलेंगे। गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हम लोग रुक गए थे लंच करने के लिए। मेरा फोन ऑफ हो गया था सो मैंने अभी तक चार्ज में लगाया था लेकिन अभी भी सिर्फ 12% चार्ज हो रखा है और भी मैंने रिकॉर्ड करने के लिए निकाल दिया। मैंने तो खा लिया अभी ये लोग खा रहे हैं पनीर और बटर रोटी। मैंने तो आलू का पराठा खाया था वो भी बिना प्याज वाला। चलो मैं से थोड़ी देर और चार्ज में लगा लेती हूँ जब तक ये लोग खा रहे हैं थोड़ा चार्ज होने देती हूँ। गाइस हम लोग का लंच हो गया है अब हम जा रहे हैं आगे और मम्मी ने फिर से आगे वाली सीट कैप्चर कर ली और मेरा फ़ोन भी ज़्यादा देर चार्ज नहीं होने दिया जितना और खाया। चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर से चिप्स कोल्ड ड्रिंक भी मुझे पकड़ा दी। बाप रे ये जम्मू वाले रोड पे बहुत गर्मी हो रही है यार यहाँ पंजाब इज टू हॉट। अब मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर बैटरी बचाती हूँ। 2000 years later
कठुआ कठुआ गेटवे ऑफ जेएनके हमला वहीं तो हुआ था कठुआ में 8 किलोमीटर है। फाइनली हमने जेएनके में एंटर कर लिया। यहाँ पे तो सिक्योरिटी कुछ ज्यादा टाइट लग रही है। जम्मू के लिए यही रास्ता है वीआईपी लेन। हम वीआईपी है क्या गाइज? यहाँ से हम सबके सिम बंद हो गए हैं। अब मम्मी के फोन में मैंने जेएनके की सिम डाली है और ताऊ के पास भी है, बट मम्मी के फोन में डेटा मिलेगा, ताऊ के फोन में तो डेटा भी नहीं है। सो हम लोग को रास्ता भी एग्जैक्टली पता नहीं है, पता नहीं कैसे जाएंगे हम आगे। मेरे फोन में सिर्फ कैमरा चलेगा, अब नो इंटरनेट, पता नहीं अब क्या होता है। मम्मी का फोन रिस्टार्ट तो कर दिया, देखते हैं इसमें नेटवर्क आते कि नहीं। एक डेढ़ घंटा और लगने वाला है। गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम फाइनली जम्मू पहुंच गए हैं। अभी भैया का वेट कर रहे हैं, भैया हमें यहीं मिलेंगे। इसके आगे हम लोग भैया के साथ ही जाएंगे उधमपुर तक और आज का स्टे शायद वहीं होगा, नॉट श्योर। अभी ताऊ जी बाहर गए हुए हैं, देखते हैं कितने देर में आते भैया। वैसे वो हमसे पहले पहुँचने वाले थे बट हम लोग टाइम पर पहुँच गए। टाइम पर तो क्या ही पहुँचे, शाम के 7 बज गए हैं। Let's see, कब तक आते हैं। तो गाइस फाइनली भैया आ गए। कैसे भैया? बढ़िया। आई मीन मेहनत कर भैया बहुत, जम्मू सिटी ब्लॉग का चक्कर में सब फ्री देखा ला ते ब्लॉग का चक्कर में सब फ्री वो कर पर घर बैठी मैं क्या भैया देखा ला ले। ये जम्मू के लिए जम्मू बाईपास के आए ना हम। हां 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 ये तो आते तो बहुत ट्रैफिक भी रहता। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं कटरा और इसके बाद 30 किलोमीटर और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे। और ये पूरी दिन नींद भी आने लग गई, सुबह से लेकर रात हो गई है। मैंने तो सोचा था इवनिंग तक हम पहुंच ही जाएंगे लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा सोचा नहीं था, बट कोई नहीं अभी तो मजा आ रहा है। मौसम अच्छा हो गया, बारिश भी होती है, अब तो रुक गई है। चलो अब मिलते हैं। तो गाइज हम पहुंच गए हैं कैंटोनमेंट एरिया में, यहाँ पे पापा एंट्री करेंगे, उसके बाद पापा ने लिया है गेस्ट रूम, सो हम वहीं रुकेंगे। अभी पापा गए एंट्री करने के लिए, दिख भी नहीं रहा होगा अभी, बाहर अंधेरा बहुत है। सो गाइज फाइनली हम लोग गेस्ट रूम में पहुंच गए हैं और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रूम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन रूम बहुत प्रिटी है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, एयर कंडीशनर भी है, फ्रिज भी है एंड यहाँ पे सिटिंग है। बाकी कॉरिडोर से जाके एक और रूम है सेम ऐसा ही। पापा भी आ गए। पापा रूम तो बहुत सुंदर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यारा होगा। अरे टीवी तो मैंने अभी नोटिस की, मैं टीवी यूज़ कौन करेगा, देखेंगे नहीं हम। मम्मा तो नहा के भी आ गए और ये है बाथरूम, काफ़ी बड़ा है, मैं फटाफट नहा लूँगी अब। देखो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, बहुत नींद आ रही है फिर मुझे, फिर पापा को भी नहाना है। देखो पापा तो आधे गीले हो गए, बारिश हो रही है ना बाहर। पापा यहाँ लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, फोन चार्ज हो गया, थोड़ा सा हो गया। ये आ गई हमारी चाय, मम्मी ने सबसे पहले अपना कप पकड़ लिया। मम्मा एक चाय एक्स्ट्रा है, आपने काउंट की? हम लोग 5 लोग हैं बट एक कप एक्स्ट्रा है। आप पी लेना, कोई बात नहीं, आपको तो 4 कप देंगे, वो भी कम ही होगा क्यों इतना बदनाम भी मत। तो गाइज ये आ गया हमारा डिनर, मैं तो सिर्फ रोटी और दही खाने वाली हूँ। खाने में है मटर पनीर की सब्जी, इसमें क्या है मिक्स वेज बैंगन की लग रही है मुझे तो, ये राइस, अब उसको खोलो, दाल और उसमें रोटी। चलो अब खाते हैं, प्लेट आता हूँ, वो प्लेट है ना ला रहे हैं। ये आ गई प्लेट्स भी, मम्मी सर्व कर रही है। मैं तो ये सब नहीं खा सकती तो मेरे लिए अभी कर्ड आ रही है। सब ने खाना शुरू कर दिया, अब बस मैं बची हूँ। लो मेरी कर्ड भी आ गई। ये है मेरी कर्ड,
मैं तो यहीं बैठ के खा लेती हूँ, मैं स्पेस नहीं करेगा पापा। चलो गाइज अब मैं भी खा लेती हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हम सबका डिनर हो गया है। ताऊ और भैया भी अपने रूम में सोने चले गए हैं, अब हम भी सो रहे हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग एंड करें यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हरे कृष्णा।